आज मेरी रेसिपी में बनाने जा रही हूँ फ्रूट चना चाट। बहुत ही आसान है, जल्दी से बन जाती है और गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है, हेल्दी भी है। आप सबका स्वागत है वेज रसोई माधुरी पे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ उबला हुआ एक कटोरी काला चना, स्प्राउटेड वाले लिए मैंने, आप चाहें तो सफ़ेद वाले चने ले सकते हैं, काबुली चने। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, ककड़ी बारीक कटी हुई, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक उबली हुई शक्करकंदी जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। अगर आपके पास शक्करकंदी नहीं है तो आप उबला हुआ आलू ले सकते हैं। फ्रूट्स में मैं ले रही हूँ एप्पल, आपके चॉइस का आप कौन सा भी फ्रूट्स ले सकते हैं। एक कटोरी अनारदाना। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नमक वाले मूँगफली के दाने जो बाज़ार में आते हैं। आप चाहे तो मसाले वाले भी यूज़ कर सकते हैं और घर पे सीके हुए मूँगफली के दाने भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ, एक छोटा चम्मच सिका हुआ जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब रेडी करते हैं चाट के लिए दही। इसके लिए मैंने एक कटोरी दही लिया है, सिका हुआ जीरा एक छोटा चम्मच, काला नमक एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच शक्कर, शक्कर ऑप्शनल है, आप लाल मिर्च पाउडर की जगह काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये रेडी हो गया दही। अब यहाँ मैंने लिए एक छोटी कटोरी सेव, हरी चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी। खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी ऊपर आई बटन पे दे रखी है। अब इसमें डालेंगे दही, खट्टी मीठी चटनी इमली की, हरी चटनी। अब इस पर डाल देंगे मूंगफली के दाने थोड़े से, अनार के दाने और सेब, कोई भी नमकीन सेब आप डाल सकते हैं, भुजिया भी डाल सकते हैं। लीजिए रेडी हो गई है फ्रूट चना चाट। अगर आप मेरी तरह खाने की शौकीन है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।